लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, एग्जाम टाइम करीब आएगा, थोड़ी पढ़ाई कर ले खड़ूस, तो कोई थ्री इडियट्स का आमिर खान नहीं, जॉल इज वेल बोल के पास हो जाएगा। जो लोग लॉकडाउन में एक भी फोन नहीं कर सके, वो लोग बार बार फोन लगा कर रिजल्ट पूछ रहे हैं, नौकरी लगवा देंगे क्या? आपको क्या पता यारो, मेरी मोहब्बत कितनी रंगीन थी, हमारे प्यार की पोल खुलते ही मेरे पापा ने मेरे गाल लाल कर दिए और उसके पापा ने उसके हाथ पीले कर दिए। आदमी मच्छर से दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में जवान बहन है और लड़के वाले ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। दिल की धड़कने बढ़ सी गई जब से सुना है वो आने वाली है। अब तक तो बहुत कुछ सिखाया, मगर क्या पता हंसाने वाली या रुलाने वाली है। जरा कम सोचो मोहब्बत के मरीजो, महबूब नहीं, 29 तारीख को मेरा 12वीं का रिजल्ट आने वाली है, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, रोल नंबर, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट। अब थैंक्स बोलकर रुलाएगा क्या? एग्जाम खत्म, बात खत्म, किसी ने रिजल्ट पूछा तो उसका भी खत्म। मम्मी रोज ताना मारा करती है, दिन भर मोबाइल से चिपका रहता है, मैंने तो बोल दिया आज ब्याह करवा दो, फिर बीवी से चिपका रहूंगा, फिर क्या, बेलन टूटने तक पिटाई की। लड़की, आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? लड़का, माँ देखो सड़क पर लाल रंग की गाड़ी दिख रही है। लड़की खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। लड़का, बस उसी रंग की 2 नेल पॉलिश लाया हूँ। जब पड़ोस नई साड़ी पहन कर आपके घर आ जाए तो आप ज्यादा कुछ मत होना, बस आप समझ जाना पड़ोस के घर जाते ही आपको इससे भी महंगी साड़ी लाकर अपनी बीवी को देने का आदेश मिलने वाला है। लड़की, तुम रात को फोन पर बात क्यों नहीं करते? अलग कमरा नहीं है क्या तुम्हारा? पप्पू, मुझे घर में रहने देते हैं, वही बहुत है।